Hello, I am Jagriti Bansal, a microbiologist and MLT faculty at IKH Institute in Biragadi at New Delhi. So today I am discussing about the CRP. CRP क्या होता है, हमारी body में क्यों synthesize हो रहा है, और अगर synthesize होता है तो हमारी body में अगर इसका level बढ़ जाता है तो वो क्या indicate करेगा हमारी body में, क्यों especially nowadays in COVID situation doctor जरूर CRP का test prescribe करता है, तो क्यों करता है, उसका level क्या indicate कर रहा है, क्या उसके clinical significances हैं, we'll talking about this. तो CRP क्या होता है, इट इज अ सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको हम एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन भी बोलते हैं. बेसिकली हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं इट इज अ बायोमार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन. क्यों बोल रहे हैं इट इज अ बायोमार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन, इज कि हमारी बॉडी में अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर हमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई ड्यू टू एनी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, तो हमारा जो ये प्रोटीन होता है बेसिकली इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में, और दैट इज मोर देन नॉर्मल. तो वो टेस्ट जो है हमें इंडिकेट करेगा कि हाँ हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हुई है. तो दैट्स वाई हमें डॉक्टर ये टेस्ट प्रेस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक लोअर एब्डोमेन में पेन हो गया है, तो लोअर एब्डोमेन में पेन होने के बाद डॉक्टर डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, वो पहले आपको कुछ ब्लड टेस्ट बोलेगा कि आप ब्लड टेस्ट कराइए, उनकी वैल्यू जो भी उनके रिपोर्ट चाहिए उनके बेसिस पे वो फर्दर टेस्ट प्रेस्क्राइब करेगा. तो जब वो स्टार्टिंग में अपने ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा तो उसमें एक सीआरपी का टेस्ट होता है जो वो इंडिकेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो गया, दैट इज अ इन्फ्लेमेशन इन अपेंडिक्स, तो इससे क्या होगा कि जब आप अपना सीआरपी टेस्ट कराएंगे वो लेवल हमारा क्या होगा, नॉर्मल से ज्यादा आप होगा, और वो इंडिकेट करेगा कि हाँ आपकी बॉडी में क्या है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है. तो हमारा जो ये सीआरपी टेस्ट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, कि आपको डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करेगा कि हाँ आपको बैक्टीरिया या वायरल का ये इन्फेक्शन हुआ है, वो सिर्फ आपको बताएगा कि हाँ आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है जिसके लिए आपको अभी मेडिकेशन की जरूरत है. ना अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सीआरपी है ये कैसे इसको पता है कि मुझे इसका जो लेवल है इंक्रीज होना है ब्लड में, इसको कैसे पता, या क्यों किस कंडीशन में ये इंक्रीज हो रहा है, कब डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है आपको कि आपको ये टेस्ट कराना चाहिए. तो हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बाहर टिश्यू की लेयर होती है, जिसके बाद हमारी स्किन की लेयर फॉर्म होती है. तो जो हमारे लीवर के ऊपर एक टिश्यू की लेयर फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू. अब ये जो एडिपोज टिश्यू है इनका मेजर काम क्या है, ये हम सबको पता है कि ये फैट को स्टोर करके रखते हैं. तो हमारे जो एडिपोज टिश्यू हमारे जो लीवर के ऊपर कवर अप होते हैं उनका मेजर वर्क है कि हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हुई तो हमारे जो एडिपोज टिश्यू है ये हमारे लीवर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाँ मुझे अब आपको सीआरपी बनाना है और वो आपका लेवल इंक्रीज होगा और आपको क्या करना है, ब्लड में वो रिलीज करना है. ये काम होता है एडिपोज टिश्यू का, जो येलो कलर के होते हैं जो हमारे लीवर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो उन्होंने काम किया लीवर को इंस्ट्रक्ट करने का, लीवर का काम है इसको प्रिपेयर करके उसको प्रोड्यूस करने का. लेकिन क्यों सीआरपी का लेवल, हम क्यों सीआरपी बन रहा है, क्यों लीवर उसको रिलीज कर रहा है, स्पेशली जब हमें कोई इन्फेक्शन हो गया. क्योंकि आपको मैं थोड़ी सी बेसिक लेवल की बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सीआरपी होता है, दैट्स अ सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है ड्यू टू एनी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी का काम होता है उस इंजरी को, उस इन्फेक्शन को वहीं पर कहीं ना कहीं रोकना, ताकि वो क्या हो, फर्दर प्रोग्रेस ना हो. तो सीआरपी हमारा एक ऐसा ही काम है कि उसका काम होता है सीआरपी का एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आया है तो उससे फाइट ऑफ करना और उसको वहीं पर स्टॉप करना. तो अब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ और उससे हमारे सेल्स को क्या किया, इंजर्ड कर दिया. अब हमारे सेल्स इंजर्ड है तो कहीं ना कहीं अब हमारे सेल्स का काम होता है कि उनको अपनी बॉडी को इंडिकेट करना है कि मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, मैं यहाँ इंजर्ड हूँ, अब मुझे इसको रोकना है इन्फेक्शन को. तो वो अब हमारा जो सेल इंजर्ड है वो कैसे कन्वे करेगा हमारी बॉडी को, इस अपने बाहर के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके, जो उसके बाहर की लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, उसके बाद वो रिलीज करेगा फॉस्फेटिडिल कोलिन. जब ये फॉस्फेटिडिल कोलिन हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होगा वो कन्वे करेगा हमारे लीवर को, जिसमें हमारा सीआरपी प्रिपेयर किया, प्रोड्यूस किया और हमारे ब्लड में आया. अब ये हमारा जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये जो इंजर्ड सेल है ये उनको किल करेगा. क्यों किल करेगा, क्योंकि उस सेल के अंदर वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो उनको क्या करना है, उसको किल करके उसको वहीं पे क्लियर आउट करना है ताकि वो इन्फेक्शन आगे फर्दर प्रोसीड ना हो. अब हम बात करते हैं कि इस तरीके से तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है सी रिएक्टिव प्रोटीन. अब आएगा हमारा कि इसका लेवल इंक्रीज होता है तो क्या और डिक्रीज होता है तो क्या. क्योंकि डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया कि आपको ये टेस्ट कराना है, आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया, आपने रिपोर्ट दिखाई. अब अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किस कंडीशन में, कौन सी इन्फ्लेमेशन, कौन से इन्फेक्शन में इसका लेवल इंक्रीज होगा. जैसे कि अगर हम बात की जाए कि कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है,
क्या होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे जब हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं फेल होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज या हमारी बॉडी के जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो अपनी ही बॉडी के टिश्यूज और प्रोटीन्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम से हमारी क्या होती है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, वो उसके अंदर आती है, उस डिजीज के अंदर। तो ये जो डिजीज है ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं। बेसिकली सी रिएक्टिव प्रोटीन दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड सी रिएक्टिव प्रोटीन और एक होता है हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। जो स्टैंडर्ड सीआरपी है वो हम मेजरली रूटीनली परफॉर्म करते हैं। सबको पता है परफॉर्म करने के लिए ब्लड कलेक्शन करना होता है, जो रूटीन ब्लड कलेक्शन की तरह सेम है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं। 3 to 5 ml मैक्सिमम मैक्स फॉर सीआरपी के लिए ब्लड हमें कलेक्ट करना होता है। जो स्टैंडर्ड सीआरपी का लेवल है इट इज लेस देन 5 mg/dL, जो आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुई है। अगर आपकी बॉडी में लेवल इंक्रीज हो जाता है जैसे कि 10 to 50 mg/dL अगर आपकी बॉडी में वैल्यू आ जाती है तो वो इंडिकेट करेगा कि आपको कोई मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में 50 to 100 mg/dL लेवल है तो वो आपको इंडिकेट करेगा इट माइट बी अ कैंसर, जैसे लिम्फोमा माइलोमा, तो मे बी ये माइलोमा या ब्लड कैंसर, ये सारे इंडिकेट करेंगे जब लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका लेवल बहुत ही कम होता है हमारे ब्लड में, दैट इज लेस देन 1 mg/dL, बट इसका लेवल अगर इंक्रीज होता है तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि हमें कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हुई है या हमें कोई हार्ट अटैक आ सकता है या फिर उसके चांसेस हैं कि हमें मे बी इन फ्यूचर ना हो जाए। तो ये जो हाई सेंसिटिव होता है मेजरली हम हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड हम परफॉर्म करते हैं। बाकी जो हमारा स्टैंडर्ड सीआरपी है वो हम करते हैं परफॉर्म रूटीनली, जो हमें इंडिकेट करता है कि हाँ मे बी हमारी बॉडी में कोई रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। वायरल के लिए हम बहुत ही इजीली आज के टाइम पे को रिलेट कर सकते हैं COVID-19, कि जब जिसको भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं COVID-19 के तो डॉक्टर सीआरपी टेस्ट जरूर प्रेस्क्राइब कर रहा है। अलॉन्ग विद सीआरपी एक और टेस्ट है जो हमें इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करता है, दैट इज ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीआरपी के बेस पे हम बोल देते हैं कि आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन है, वो डॉक्टर आपको 2-3 टेस्ट बोलेगा परफॉर्म करने के लिए जिसके थ्रू उसको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा। तो सीआरपी बेसिकली हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है ताकि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन फर्दर डेवलप ना हो, और अगर इन्फेक्शन हो जाता है या कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो अपना लेवल को इंक्रीज कर देता है ताकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हमें इंडिकेशन मिल जाए कि मेरी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन नहीं है जिसके लिए मुझे अभी मेडिकेशन की नीड है। तो आज के लिए मैं सिर्फ सीआरपी के बारे में इतना ही बताना चाहूंगी। ESR टेस्ट भी इसमें आता है लेकिन इट टेक्स डिफरेंट क्लास की आपको उसके लिए अलग क्लास के लिए डिस्कस करना पड़ेगा, नॉट इन दिस। होपफुली आपको ये समझ में आया हो सीआरपी। कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।